शाह हुसैन, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर न्यूज़ के ऊपर एक जो धमाका चल रहा है बुरखे का जो बैन लगाने की जो यहाँ पर बातें चल रही हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर हमारे यहाँ पर नगर सेविका यहाँ पर एक मौजूद है, हम इनसे कुछ बात करते हैं। मैडम आपको क्या लगता है ये जो यहाँ पर न्यूज़ के ऊपर जो ये बातें चल रही हैं कि बुरखा बैन किया जाए, बुरखे को बंद किया जाए, तो आप उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरवत आरिफ हुसैनी शाहबाजार कॉर्पोरेटर। देखिए बात दरअसल ऐसी है कि शिवसेना ये अच्छी तरह जान चुकी है कि महाराष्ट्र से अब उसका जनाधार खत्म हो चुका है। अब वो तो मुद्दों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस किस्म के स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नफरत पैदा हो सके। देखिए जहाँ तक बुरखे का सवाल है तो ये बुरखा हमारी शरीयत से जुड़ा हुआ मामला है और औरत एक मुसलमान औरत इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा महफूज महसूस करती है, सबसे ज़्यादा महफूज महसूस करती है और इसीलिए और हम हमारी शरीयत के खिलाफ जाने वाले नहीं हैं। हमारी शरीयत में हम थोड़ी सी भी मुदाखलत किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर औरत को ये लगता है कि या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है या उसको पाबंद कैद खाने में बंद कर दिया गया ऐसा कुछ समझ में आता उसको तो वो औरतें खुद इसके खिलाफ आवाज़ उठाती थी, लेकिन हम मुसलमान औरतें इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा महफूज महसूस करती हैं। तो मैडम किस तरह से ये जो ये बुरखे के जिस तरह से यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं जो अधिकार पार्टियाँ हैं या और पार्टियाँ हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बुरखे का किस तरह से मतलब बुरखे को सेफ महसूस करती हैं, जिस तरह से मुस्लिम औरतें बुरखा को एक्सेप्ट करती हैं, तो क्या ये दबाव में बुरखा पहनती है या मतलब शरीयत के दबाव में होकर ये बुरखा पहनती है? नहीं, ये तो हमारी शरीयत का मामला है और इसमें औरतें अपने आप को महफूज और मुतमईन है बुरखा पहनकर। अगर हम बाहर भी अकेले भी जाते हैं तो हमको किसी किस्म का कोई डर नहीं रहता है। इसीलिए और मुंबई के जो घाटकोपर इलाके में है वहाँ पर MNS के एक MLA हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे कि आपको वहाँ पे दही हंडी के वक्त उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे कि लड़कों से कहा था कि आपको जो भी लड़की पसंद है उसको उठा कर लाओ, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। तो इस किस्म के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और जिस वक्त बाल ठाकरे थे जिंदा थे उस वक्त उन्होंने वेस्टर्न के जो सिंगर्स थे उनको लाकर यहाँ पर नचाए थे। तो इस किस्म की राजनीति करने वाले उनको से क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो इसी किस्म की बातें करेंगे? ये है तो सिर्फ भड़काऊ भाषण है और भड़काने वाली बातें हैं, दरार पैदा करने वाली बातें हैं। इससे हम लेडीज बिल्कुल मुतमईन नहीं है और हम अपने आप को बुरखे में बहुत महफूज महसूस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो सुबह सुबह ये न्यूज़ आई है कि बुरखे पर बैन लगाओ, तो जो भी इंसान ने ये सोचा है कि बुरखे पर बैन लगाना, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि बुरखा शरीयत के हिसाब से हमारा इस्लाम में हक है, ये इसको कोई बंद नहीं कर सकता। और इसमें अगर कोई पॉलिटिक्स चल रही होंगी कि भाई बुरखे की वजह से देश का माहौल ख़राब हो, इसकी वजह से आगे कुछ भी हो सकता है क्योंकि बुरखा कोई बंद नहीं कर सकते। बुरखा पहनना तो हमारा हक है। दूसरी बात, भारत ऐसा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, इसमें हर इंसान अपनी मर्ज़ी से जीता है, उसमें कोई किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकता कि कोई बुरखा पहने ना पहने। और हम मुस्लिम औरतें तो अपनी मर्ज़ी से बुरखा पहनती हैं। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही कोई भी माहौल ख़राब होने वाली जैसी न्यूज़ मार्केट में ना आए तो अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से देश का माहौल, क्योंकि अभी माहौल चल रहा है इलेक्शन का, उसकी वजह से देश का माहौल ख़राब हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए।